ये रहा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, ये है मेन रोड मनेंद्रगढ़ रोड और इससे अपने को लेफ्ट जाना है तो रेलवे स्टेशन मिल जाएगा और आज होगी दिल्ली वाली ट्रेन चालू। अब आपका भाई बनाएगा ब्लॉग। तो ये हमारी गाड़ी सफलतापूर्वक पार्क। अरे भाई हम लोग से आने से पहले ही, अरे हम लोग का स्वागत हो रहा है, देखिये पटाखा वटाखा फूट रहा है। और ये रही ट्रेन जो कि नहीं पता कितने टाइम जाएगी, 9:15 में तो चलेगा लेकिन देखिए अब क्या हो सकता है। बहुत बहुत अधिकारी लोग हैं इसलिए अपने को जाना है इधर से ऊपर ट्रेन देखने। अभी तो फिलहाल जा नहीं रहे दिल्ली उल्ली, लेकिन कभी ना कभी जाएंगे इसलिए आज ट्रेन देख लिया जाए। नहीं चलेगा सर। तो ये हजरत निजामुद्दीन, देखिए अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस है। अरे यहाँ पूरा, अरे भाई साहब ऐसा लग रहा है कि बारात जा रहा है। नहीं VIP टाइप से है पूरा सिस्टम। आज स्टेशन भी सजा है और बोगी भी सजा है। ये वाला मैं पहली बार अंबिकापुर में देख रहा हूँ, ये रेड वाली ट्रेन। एक नंबर प्लेट भाई, आंटी लग बोलो एक नंबर, मजेदार लग रहा है। 66864 क्या क्या हो रहा है, जितनी भीड़ है ना अंबिकापुर में। तो मतलब आज जो अपन सोचे थे क्या क्या खाने को, वो सब तो नहीं मिलेगा यहाँ लगता है, लेकिन देखिए वो भीड़ जैसे भीड़ है। वो भाई साहब अपने को पीछे से आना था वो पार्क साइड से, लेकिन शायद उधर का सिस्टम बंद होगा इसलिए अपन इधर से आए हैं। और देखिए आगे क्या क्या होता है और फिर मिलते हैं। और ये है अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, वेलकम टू अंबिकापुर लिखाया है। और देखिए ट्रेन जाने के बाद भी अपन जाएंगे। और इन्हें इतनी ज़्यादा पुलिस कर्मी है ना, क्योंकि बड़े बड़े लोग आए हैं और इसलिए उतना तो सिक्योरिटी रहना जरूरी है। और ये रहा सिस्टम, देखिए पुलिस वाले लोग अपने को डंडा मत मारते। ओ भाई एसी वाले कोच तो ये है दिल्ली वाली ट्रेन जिसमें अपन तो नहीं जाएंगे लेकिन कभी ना कभी इसमें भी बैठने को मौका मिलेगा। और ये है वीकली ट्रेन जो कि हर सप्ताह चलेगी। ढाका का आवाज आ रहा है और ये हमारे जो सामने जा रहे हैं मुख्य अतिथि हैं जो आए हैं जिनका स्वागत होगा। अभी फुल एसी वाली ट्रेन है A2, जनरल वनरल बोगी नहीं है इसमें ना। कितना बड़ा ट्रेन है, कितना डब्बा है इसमें। भाई सब नहीं, उधर अगला वाला पट्टी में होगा शायद। आप सबसे निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण कर ले। हम करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री बैठने के जगह है। ट्रेन का इंजन, वाले लोग इस कदर से बोल रहे हैं बैठो बैठो बैठो। और ये है ट्रेन जो दिल्ली जाएगी, इंजन है मतलब। फोन कहाँ से हो रहा है, ड्रोन से। ओ भाई साहब वो ड्रोन यहाँ लोग, अब आपका भाई आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों, क्योंकि इतना सिक्योरिटी टाइट है ना, क्या ही बताए, अंदर आगे जाने ही नहीं दे रहे। और वो चल रहे हैं लाइव कॉन्फ्रेंस, हार्दिक स्वागत करेंगे। और आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों के साथ आपके कार्यक्रम के विशेष अतिथि। खतरनाक भीड़ है नी, यहाँ हमारे जाने वाले मिल गए परिचय, क्योंकि घर है यही पास, इसलिए हमारे जाने वाले भी घर ही पास रहेंगे ना। तो मेन काम में आप लोग किस लिए आए बताऊं, मिठाई खाने। जल्दी से ट्रेन चले, मिठाई उठाई मिले, घर लेके जाए, घर वाले भी खुश होंगे कि घर का नाश्ता तो बचा। पीछे लोग जैसे लोग हैं और आगे भी लोग आज के। धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ऐसे कर रहे ना। धन्यवाद 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 धन्यवाद, फुल मजा।
बूंदा बांदी चालू हो गई है। शंकर जी का जीवन प्रारंभ हो गया, ये भगवान की कृपा है, माँ महामाया की कृपा है। जल्दी से मिले और जल्दी से आपका भाई घर जाए। यहाँ का प्रत्येक नागरिक इस ऐतिहासिक क्षण में माननीय रेल मंत्री महोदय आपका हार्दिक स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपको जय जोहार करता है, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब जुड़ते हैं स्वागत भाषण के लिए। मैं सागर आमंत्रित करना चाहता हूं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आदरणीय श्री आलोक कुमार सर को। आपको मैं संबोधन कर रहा हूं और मेरे साथ जोर से बोलिएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छे, बहुत जोश है अंबिकापुर में, खूब मजा आया। साथियों महोदय से सहारनपुर से जो हमारे बीच जुड़े हैं रेल मंत्री महोदय, हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे बीच यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी से भी कि वे इस अवसर पर हरी झंडी दिखाकर अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन ट्रेन को रवाना करेंगे। जोरदार तालियों के साथ तमाम जनता को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस क्षण के माध्यम से पूरी होने जा रही है। सहारनपुर से हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय जुड़े हैं, यहां पर माननीय श्रीमती रेणुका हमारे ट्रेन के सारथी लोको पायलट इस ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए की जनता को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय का कि अपने व्यस्ततम समय से आप सब हमारे बीच यहां पर जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके आगमन से क्षेत्र की जनता का उत्साह डबल हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस ट्रेन के माध्यम से गए हैं इसका भी हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, उस जगह से छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न कोने पे हम सब जुड़े हुए हैं, माता महामाया की नगरी पे हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब साक्षी हैं, हम सब विटनेस हैं इस ऐतिहासिक क्षण के जब अंबिकापुर से देश की राजधानी के लिए ये ट्रेन धीरे धीरे करके अब रवाना होती हुई, और जितने धीरे धीरे ये ट्रेन आगे बढ़ रही है उतनी ही तेज गति से, उसके विपरीत उतने ही तेज गति से इस क्षेत्र का विकास होगा, इस आशा के साथ आज इन पलों को, इन क्षणों को हम सब जीते जी रहे हैं। जय घोष के साथ, अहमदाबाद के नारों के साथ इन पलों को हम सब जीते हुए, बहुत पुरानी मांग थी। 1964 से रेल परिवहन का इतिहास ये क्षेत्र देख रहा है, लेकिन उसके बाद देश की राजधानी के साथ छत्तीसगढ़ का ये जुड़ाव, भारत के हृदय का जुड़ाव निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए रील का पत्थर साबित होगा। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय इस ट्रेन के पहले यात्रियों को अभिवादन करती हुई, चेहरों की मुस्कान हम सब देख पा रहे हैं, ये खुशी हम सब देख पा रहे हैं, और इस खुशी के साथ, इस मुस्कान के साथ हम सब इन पलों को जी रहे हैं, इन क्षणों को जी रहे हैं। उधर उधर मेरे को नहीं, खुश हो गए। बाय बाय, एक टिकट फ्री मेरे लिए। आज लेकिन कोई वो नहीं कर सकता है, क्या बोलते हैं विदाउट टिकट। मोबाइल तो मेरा दीजिए, मोबाइल तो छीन लेता कोई कैसे करते नहीं भाई।
माननीय मंत्री महोदय स्वयं ट्रेन के करीब पहुंचकर यात्रियों का अभिवादन करती हुई उन्हें शुभकामनाएं देती हुई इस पहले सफर के लिए उनका उत्साह वर्धन करती हुई जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर हम सब इस ट्रेन के यात्रियों का अभिवादन करें। जयघोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जयघोष बड़े बाल वाले भैया को हम सब कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए खत्म दो तीन तो मस्त क्लिप मिल जाएगा उधर भी हमने बंदे छोड़ दिए अब निकलने में कितना भीड़ हो जाता है इनको भी बाय कर लगेज वाला है बाय खत्म गयो बाय बाय टाटा खत्म। हमारे ट्रेन मैनेजर महोदय लेकिन जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं मिला हम लोग लोग ज्यादा थे ना इसलिए कार्यक्रम की एक अंतिम कड़ी अब बची हुई है उसके साथ हम सब जुड़ेंगे कृपया आप सबसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें हम हमारे अतिथियों का एक बार एक स्मृति चिन्ह भेंट अंबिकापुर स्टेज लिखाया चाहता हूँ कहाँ खाना अरे सही में मिल रहा है वाह वाह घर घर चले अब रसगुल्ला सब घर जाएंगे तब बैठेगा रसगुल्ला LIC वीडियो बन रहा है मजाक है इतना लोगों के बीच में आपका भाई का सम्मान होगा कभी ना कभी होगा नहीं बोल रहे भैया भी मिले मुझे वीडियो बन रहा आप सबसे निवेदन है कि कृपया स्टेज पर भीड़ ना करें जिनकी फोटो खींच गई है वो कृपया स्टेज से उतर जाए जिनकी फोटो खींच गई वो कृपया घर जाए अंबिकापुर रेलवे स्टेशन अब अपने को जाना है डायरेक्ट घर और मेरी गाड़ी है नमो के दुकान के सामने और फिर आपका भाई जाएगा घर फिर सोएगा देखिएगा अभी स्क्रीन था भाई ओ भाई तो हम लोग उतना दूर गए जल्दी से जल्दी घर चले आज लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता तो कितना हजार लोग आए थे कितना हजार बन जाता अंबिकापुर रेलवे स्टेशन जो कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है सब धीरे धीरे घर जा रहे हैं यहाँ भी मतलब सिस्टम लगा है ना कितना कितना बजे आना जाना है तो लोग वही देख रहे हैं ओ भाई साहब ये हम लोग के स्वागत के लिए है इतना फुल आंटी भी वीडियो बना रही भाई फुल फुल उल लगा स्वागत स्वागत लेकिन कुछ नहीं मिला ना छत्तीसगढ़ टूरिज्म घूमने वाला
देख VIP लोग का फोटो उसमें, आजादी के दिन में अंबिकापुर से दिल्ली क्या है भारत सरकार की बधाई है। सब आपका भी ले लेते हैं आगे कल के वीडियो में। इतना भीड़ देख रहा हूँ रेलवे स्टेशन में क्योंकि ट्रेन चल रही है अंबिकापुर। कैसे लोग आए उधर देख गाड़ी। ओ भाई साहब कनाडा से लोग आए हैं। कनाडा से भी लोग आए हैं बाबू।